नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। आइए जानते हैं उन खबरों के बारे में जो आज दिन भर सुर्खियां बनी रही। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिंह सिद्धू को आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार कर 30,000 कोर्ट में पेश किया, जहाँ दीप सिंह सिद्धू को 7 की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आज बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में 17 नए मंत्री शामिल किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कोटे से 9 और जनता दल यूनाइटेड कोटे से 8 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में मंत्री की शपथ लेने वालों में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया। चेन्नई में खेले जा रहे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया को 227 रनों से हार का सामना करना पड़ रहा। वहीं मैच के आखिरी दिन 420 रनों का पीछा करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम 192 रनों पर ढेर हो गई और इंग्लैंड ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल आज खत्म हो गया, जिसके लिए उन्हें आज सदन से विदाई दे दी गई। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बोलते हुए भावुक हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर गुलाम नबी आज़ाद का वीडियो वायरल हो गया है और जिसमें गुलाम नबी आज़ाद आतंकी हमले के शिकार लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री के आंदोलनजीवी बयान की निंदा की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 फरवरी को हुए चक्के जाम के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान एक दिन का देशव्यापी आंदोलन फिर से करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम आंदोलनकारी हैं लेकिन जुमलेबाज नहीं हैं। पीएम पर हमला बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर 2011 में नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि MSP पर कानून बनना चाहिए, लेकिन अब वह खुद 2 PM बन गए लेकिन MSP पर कानून नहीं बना। आगामी 14 फरवरी को पंजाब में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आज शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने राज्यपाल VP सिंह बदनौर से शिकायत करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की अपील की, साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की भी मांग की। आज राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। वह 58 वर्ष के थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।